नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, वरुण धवन की फिल्म बेडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बेडिया फिल्म का जो फर्स्ट वीक का कलेक्शन था वो 42 करोड़ रुपीज के आसपास रहा था, तो काफी अच्छा कहा जा सकता है इस संदर्भ में कि इसके सामने दृश्यम 2 जैसी सुनामी चल रही थी, उसके बावजूद फिल्म का कलेक्शन ठीक रहा था। सेकेंड वीक में फिल्म का कलेक्शन करीब 10 करोड़ रुपीज के आसपास रहा था सेकेंड वीकेंड में। उसके बाद में दोस्तों, मंडे के बाद में फिल्म के कलेक्शन में इतना ज्यादा ड्रॉप देखा गया है कि दोस्तों अब तो ये मुश्किल लग रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो सकती है। क्या फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होगी या फ्लॉप हो जाएगी या फिर एवरेज साबित हो सकती है, ये दोस्तों अब कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार से कलेक्शन अब इसके गिरने शुरू हुए हैं उससे बहुत मुश्किल हो जाएगा फिल्म के लिए। अगर फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए है तो 60 करोड़ को तो ये फिल्म डेफिनेटली पार करेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं लग रहा। लेकिन कई जगह फिल्म का बजट 85 करोड़ भी बताया गया है, क्योंकि फिल्म को 2D से 3D में कन्वर्ट किया गया था। तो दोस्तों, अगर वो बजट है फिल्म का, एक्चुअल बजट अगर 85 करोड़ रुपीज है, तब तो ये फिल्म किसी भी हालत में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित नहीं होने वाली। लेकिन अगर 60 करोड़ रुपीज है तो फिल्म को आराम से एवरेज फिल्म का दर्जा मिल सकता है, मुझे ऐसी संभावना ये नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों, जहां तक डे इलेवन की बात करें तो डे इलेवन को इसका कलेक्शन आया 1.45 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ 45 लाख रुपए करीब कलेक्शन आया। और डे 12 की बात करें तो 1.36 करोड़ रुपीज, कल की बात में बता रहा हूँ कि करीब 1.36 करोड़ रुपए का कलेक्शन कल इसका बॉक्स ऑफिस पर आया है। तो लगातार फिल्म का कलेक्शन ड्रॉप हो रहा है और आज भी फिल्म का कलेक्शन करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख की रेंज में आने वाला है। तो कलेक्शन में लगातार गिरावट देखी जा रही है, बहुत कम कलेक्शन है। तो अगर मैं टोटल कलेक्शन कर दूं इसका तो 56.18 करोड़ रुपीज, करीब करीब आप 56 करोड़ रुपए मानिए, 56 करोड़ रुपए का कलेक्शन अभी इसका 13 दिनों का हुआ है। और दोस्तों, अब 16 तारीख को अवतार 2 आ रही है, तो बहुत बड़ी फिल्म है। उसके बाद में इस फिल्म के पास कोई संभावना और कोई शो बचेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कोई शो बचने वाले है। तो दोस्तों, इसके पहले पहले मतलब 15 तारीख तक इस फिल्म को जितना ज्यादा कलेक्शन करना है उतना कर ले तो ये फिल्म के लिए अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि ये फिल्म तब तक डेफिनेटली 65 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर करने में सफल रहेगी। लेकिन फिलहाल तो भेड़िया के बारे में, वर्डिक्ट के बारे में यही कहा जा सकता है कि ये फिल्म हिट, फ्लॉप और एवरेज के बीच में झूल रही है। अब जिस साइड में पलड़ा भारी होगा उस साइड में ये फिल्म जाएगी। अगर वीकेंड पर इस फिल्म को अच्छे कलेक्शन मिल जाते हैं सैटरडे और संडे को, तो फिर फिल्म का कलेक्शन ठीक ठाक रहेगा और फिल्म को एवरेज का वर्डिक्ट मिल सकता है। और अगर बहुत अच्छे कलेक्शन आ गए तो भी दोस्तों फिल्म हिट तो नहीं होने वाली है, लेकिन एवरेज फिल्म ये जरूर साबित हो सकती है। हाँ, 60 करोड़ का ये कलेक्शन जरूर पार कर लेगी। अगर इसका बजट 60 करोड़ रुपए है तो डेफिनेटली ये फिल्म फ्लॉप होने से तो बच ही जाएगी। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।